अगले तीन राउंड जो हैं ये बहुत एक के बाद एक नजदीकी में है और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने अपना जो अभियान है उसको थोड़ा तेजी दी है। पिछले कुछ वर्षों में जिस अपेक्षा और उम्मीद के साथ एनडीए की एक सरकार बनी थी और उससे उम्मीद थी कि उस जंगल राज से मुक्ति दिलवाएगी, और आरंभ में भारतीय जनता पार्टी ने तो अपनी पूरी क्षमता के हिसाब से सैक्रिफाइस भी हम लोगों ने किया। सैक्रिफाइस मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर कई बार कम सीट लड़नी पड़ी तो वो भी हम लोग लड़े, और इसके पीछे उद्देश्य ये था कि किसी प्रकार से उस जंगल राज से मुक्ति मिल जाए। एक प्रकार से हमारा शोषण भी हुआ, और शोषण के साथ साथ विश्वासघात भी था। जब एनडीए 2 की सरकार बनी तो जेडीयू की नीयत में खोटा चुका था, और शायद उसका एजेंडा भी भटक चुका था। इतने वर्षों तक जंगल राज के खिलाफ अभियान चलाने के बाद जो उसके निर्माता थे, बिहार को बर्बाद करने में जिनकी प्रमुख भूमिका थी, उन्हीं की गोद में जाकर बैठ जाना, और इसलिए ये तो स्पष्ट है कि इस महागठबंधन में जो डोमिनेंट फोर्स है वो आरजेडी है। जेडीयू और नीतीश जी तो केवल उस गठबंधन का एक प्रकार से मुखौटा है, और दोनों की मिला के देख लो तो 25 साल तक सरकार चली है, और 25 साल एक प्रकार से एक पूरा युग होता है, और इसमें तो पूरी तस्वीर बदल जाती है। लेकिन आज भी अवसर की तलाश में बिहार के लोग, नौजवान बाहर जाएं, एक यही रास्ता उनके पास पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी आज एक स्थिर राजनीति और स्थिर शासन बिहार में देना चाहती है, और पूरे देश में जिस प्रकार से एक परिवर्तन का उत्साह पिछले 1.5 साल में पैदा हुआ है, उसी उत्साह की कड़ी को बिहार के साथ हम जोड़ना चाहते हैं, ताकि दोनों सरकारें, केंद्र की और बिहार की, कदम से कदम मिलाकर यहां एक विकास यात्रा पूरी करें।